sounds I'm breathing in. Hold tight. आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पार्टी वियर श्रग की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी सी विंटर ड्रेस है और इसमें हमने जो है पॉकेट भी बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा सा लुक दे रही है। आप इसे कहीं भी पार्टी वगैरह में पहन के जा सकते हैं, जो आपको बहुत ही विंटर में एक रॉयल लुक देगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये आगे से फ्रंट ओपन है और बहुत ही प्यारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने शेयर करेंगे श्रग की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए जो है हमने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है, जिसकी लेंथ है 43 इंचेस। मेजरमेंट आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे। लेंथ के लिए जो है हम टोटल लेंथ 43 इंचेस है, 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 44 इंचेस पर मार्क करेंगे। दोनों मार्कों को एक साथ सीधा कर देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने नीचे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, अब हम ऊपर की साइड जो है शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। कॉलर नेक बनाना है तो उसके लिए हमें जो है 7.5 इंचेस पर कॉलर नेक लेना है। ये नॉर्मल हाइट वालों के लिए, अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 8 इंचेस पर भी मार्क कर सकते हैं। 7 इंचेस पर जो है हम अपने आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और आर्म होल को मार्क करने के बाद हम इस निशान को जो है सीधा कर लेंगे। निशान को सीधा करने के बाद यहाँ पर जो है हम देखिए चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए जो है यहाँ पर हमारा चेस्ट 34 इंचेस है, तो 34 इंचेस पर जो है हम यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इसके बाद मार्क करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे, तो शोल्डर हम 1/2 इंच पर डाउन करेंगे। 1/2 इंच पर शोल्डर डाउन करने के बाद जो है हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम ऊपर से जो है मार्क करेंगे। तो देखिए ऊपर से मार्क करते हुए यहाँ पर जो है हम 15 इंचेस पर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे और श्रग लेना है। ये श्रग है तो श्रग के लिए जो है हम यहाँ पर चाक को थोड़ा नीचे रखेंगे, उसके लिए हम 22 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 22 इंचेस पर मार्क कर लिया है और दोनों ही लाइनों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम अपने यहाँ पर जो है मेज़रमेंट जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करके अपने मार्कों को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए चेस्ट हमारी 34 इंचेस थी, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट हमारी जो है 28 इंचेस थी, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। और हिप हमारे 36 इंचेस थे, तो 9 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए जो है इन लाइनों को सीधा करेंगे। जितना भी आपको नीचे की साइड से चाक लेने हों उसके लिए जो है आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पर जो है हम अपना मार्क 10 इंचेस लेंगे, तो यहाँ पर जो है 10 इंचेस पर मार्क करेंगे और 2 इंचेस का यहाँ पर जो है हम इसमें मार्जिन लेंगे। 2 इंचेस का मार्जिन लेने के बाद हमने यहाँ पर अपने लाइनों को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद जो है हम नीचे वाले निशानों को भी सीधा करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो है हमें श्रग में पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट पर जो है हम नीचे की साइड से जहाँ पर हमारा हिप का मार्क है, हिप से हम 1.5-2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करने के बाद 6 इंच का मार्क करेंगे, जो हमारी वेस्ट के मार्क तक आ चुका है। तो देखिए अब हम नीचे के मार्कों को सीधा कर लेंगे। सीधा नीचे की साइड से हमने मार्कों को सीधा कर लिया है और अब हम यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है अपने फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है। फ्रंट आर्म होल की शेप जो है हम कम से कम कॉर्नर से 1-1 इंच पर मार्जिन लेते हुए इस तरीके से गोल आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इतने यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, तभी जो है आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कटिंग करने के बाद जो है हमने यहाँ पर वेस्ट और हिप पर जो है जो हमारे नीचे मार्क होते हैं वहाँ पर जो है हमें छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो है अपने नेक को ड्रॉ करते हैं। नेक के लिए जो है हम
3 इंचेस पर मार्क करेंगे विड्थ, और नेक की डीपनेस जो है डीपनेस भी हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे। 3 इंचेस पर मार्क करने के बाद जो है निशान को सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसके साथ जो है एक गोलाई में नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी नेक की शेप ड्रॉ हो चुकी है और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है हमारी श्रग का फ्रंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम अपने नीचे की साइड दूसरे कपड़े को भी रखेंगे जिसमें जो है हमें बैक पार्ट को कट करना है। तो बैक पार्ट को जो है हम 1 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लेंगे, जिसके लिए हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है जब ये शोल्डर डाउन होंगे तो ऊपर की साइड से पीछे वाले जो हमारा नेक है वो हमारे आगे वाली जो पार्ट है उस पर आगे की साइड को आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बैक नेक में भी यहाँ पर जो है 1 इंच की डीपनेस देते हुए बैक नेक को कट कर लेंगे और बाकी का मेज़रमेंट ऐसा ही रहेगा। और बस आर्म होल जो है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बैक आर्म होल को ज़्यादा लेना है। तो देखिए इस तरीके से जो है आप बाकी उसमें ऐसे ही कटिंग कर लीजिए। तो देखिए बैक की भी हमारी कटिंग हो चुकी है और हमारा ऊपर वाला जो पार्ट था ये फ्रंट, इसे जो है हम जो हमने फोल्ड करके रखा है बीच में से इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कट करके जो है इसको अलग कर लिया है और उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपनी पॉकेट का जो मार्क था उसको जो है हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे और निशानों को हमने डार्क कर लिया है। निशानों को डार्क करने के बाद जो है अब देखिए हम यहाँ पर जो है ये हमारी साइडों में से बची हुई एक्स्ट्रा पट्टी है जिसको हम अपनी जो हमारी श्रग है, श्रग का जो हमारा फ्रंट पार्ट ओपन रहेगा उसमें यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 इंची चौड़ी पट्टी लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है कुछ इस तरीके से, और जो हमने आपको बताया था साइडों में से पट्टी कटी हुई थी 2 इंच की पट्टी लेकर जो है हम यहाँ पर जो है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड में रखते हुए नीचे तक जो है स्टिच करेंगे। तो अब देखिए हम जो है यहाँ पर स्टिचिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे, यहाँ पर जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और इस स्टिचिंग को जो है नीचे तक हम लेकर जाएंगे। और देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको जो है हम प्रेस की हेल्प से अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, और चाहे तो आप नाखून की हेल्प से भी दबाते हुए इसको इस तरीके से पीछे की साइड को फोल्ड कर लें। हमने यहाँ पर जो है इसको प्रेस से फिक्स कर लिया है और अब पीछे की साइड को फोल्ड करते हुए जो है हम यहाँ पर इस तरीके से इसमें जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए ये हमारी सिलाई जो है हो चुकी है और इस वाली सिलाई को करने के बाद जो है अब हम दूसरी साइड की सिलाई को भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो है दूसरी साइड की सिलाई को लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी दोनों साइड है कुछ इस तरीके से आ चुकी हैं, और अब हम जो है इसमें ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में जो है अब हम जो हमारी पीछे की प्लेटें डलेंगी उन प्लेटों के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों हम 10.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो आप 11 इंचेस पर मार्क कर सकते हैं। विड्थ में जो है हम यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क करेंगे और लेंथ में इस निशान को 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे और दोनों निशानों को सीधा करने के बाद जो है देखिए इन निशानों को डार्क करेंगे ताकि ये हमारे निशान जो है हम इन निशानों को दूसरी साइड पर भी पेस्ट कर लें। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने ये हमारे निशान कुछ इस तरीके से आ चुके हैं। ये 7 इंचेस पर है और इसका सेंटर लेते हुए 3.5 इंचेस पर कुछ इस तरीके से तिरछा निशान ड्रॉ करेंगे। एक साइड से इस तरीके से करेंगे स्केल की हेल्प से और दूसरी साइड से भी जो है हम
इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है, अब हम इसी मार्क को अपने दूसरी साइड भी जो है इसको इस तरीके से एक साथ कपड़े को मिलाते हुए रखेंगे, और उसके बाद जो है मिलाते हुए रखने के बाद इसको हम टैप टैप करके जो है इस तरीके से दूसरी साइड पर भी इन्हीं निशानों को जो है पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा थोड़ा लाइट आया है, तो अब हम इन निशानों को डार्क कर लेंगे। और निशान, अब हमारा ये निशान लग चुका है, अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो देखिए स्लीव्स हमारी 21 इंचेस थी, 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर 22 इंचेस पर मार्क कर लिया है। हमारा स्लीव्स का कपड़ा जो है थोड़ा कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इसमें जोड़ देंगे इसको। यहाँ पर साइड में जो हमारा कट पीस बचा हुआ था उसी में से हम यहाँ पर जोड़ लगा देंगे और अपने आर्म होल की शेप जो है ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के बाद जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, और अब हम चलते हैं अपने श्रग की ओर। ये हमारी श्रग का बैक पार्ट है, जो हमने अभी निशान लगाए थे। उन निशानों को लगाने के बाद जो है हम यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे, जो हमारी बैक में प्लेटें डलेंगी उस प्लेटों के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हम दोनों साइड से अपनी प्लेटों को डाल लेंगे। प्लेटों को डालने के बाद जो है जो हमारे निशान हैं हम उनको जो है मिला लेंगे, और इसके बाद अब हम अपने शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो देखिए शोल्डर को जो है हम यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। तो देखिए ये हमारी श्रग कुछ इस तरीके से आ चुकी है, और अब हम यहाँ पर जो है अपने इसमें स्लीव्स ऐड करेंगे और साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमारी ये स्लीव्स है, और हम अपनी स्लीव्स को जो है यहाँ पर सेंटर से स्लीव्स का सेंटर लेंगे, और जो हमारी श्रग है श्रग में भी हमारे यहाँ पर शोल्डर जॉइंट किया हुआ है हमने। शोल्डर जॉइंट करते हुए जो है हम अपने इस तरीके से स्लीव्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम अपने इस तरीके से दोनों ही कपड़े को और अपने स्लीव्स को लेकर जो है एक साथ में स्टिच कर देंगे। देखिए हमारी एक साइड की स्लीव्स स्टिच हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड की स्लीव्स को भी इसी तरीके से जो है स्टिच करेंगे। तो देखिए दूसरी साइड की स्लीव्स को भी हमने स्टिच कर लिया है, और अब हम अपनी स्लीव्स पर जो है यहाँ पर 5 इंचेस पर मार्क करते हुए स्लीव्स की फिटिंग के लिए स्टिच करेंगे। तो एक ये हमारा मार्क है, और जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर जो है हम यहाँ पर अपनी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों सिलाई जो है हमें कुछ इस तरीके से लगानी है, और यहाँ पर जो है हमें इसमें पॉकेट भी लगानी है। तो पॉकेट के लिए जो है हमने यहाँ पर निशान ड्रॉ किया हुआ था। तो देखिए इसको जो है हम अपनी हिप तक लेकर जाएंगे, उसके बाद लेकर जाने के बाद जो है उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने ये गलती से सिलाई नीचे तक लगा दी, उसके लिए जो है हम यहाँ पर 2 इंच हिप से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे, और उसके बाद 6 इंचेस पर मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर जो है हमें क्रॉस में निशान बनाएंगे। ये हमारा 6 इंचेस का जो वो है यहाँ पर हमने इसको ओपन करके हमने यहाँ पर साइड में पॉकेट लगा लिया। पॉकेट के लिए दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो डाली थी, आप हमारे चैनल पर विजिट कर कर जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर श्रग की स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। तो जिस तरीके से आप अपने नॉर्मल सूट की स्लीव्स को फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से जो है आप अपने श्रग की स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है स्लीव्स को फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारी साइड में पॉकेट है राइट साइड पर। तो हमारी ये श्रग जो है बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर जो है अपने कॉलर को इसमें जो है अपने कॉलर को लगाएंगे। तो देखिए कॉलर लगाने के लिए जो है हमें सबसे पहले अपने नेक को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले आपको जो है इसको मेज़र कर लेना है। ये हमारा 8.5 इंचेस पर आया है। देखिए अब हम यहाँ पर जो है यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम लेंगे। पेस्टिंग वाली बुक जितना भी आपका नेक का मार्किंग हो उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे और मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 7 इंचेस पर मार्क किया है, और दूसरा मार्क जो है हमने 3 इंचेस पर किया है,
और नीचे की साइड से अपनी बुकरम को स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 इंच से ऊपर की साइड जो है हम यहाँ पर गोलाई में शेप देते हुए ऊपर की साइड को लेकर जाएंगे। और अब देखिए हमने यहाँ पर जो है शेप ड्रॉ कर ली है। और अब आपको अगर आपको 1 इंच का कॉलर रखना है तो आप 1 इंच का 1 इंच चौड़ा ले सकती हैं, और अगर आपको 1.25 इंची का रखना हो तो आप 1.25 इंची ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने अपने नेक की शेप ड्रॉ कर ली है, राउंड कॉलर जो आपको लगाना होता है। तो देखिए ये हमारे राउंड कॉलर की शेप ड्रॉ हो चुकी है और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी कटिंग हो चुकी है और अब हम इसको जो है अपने कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे कपड़े पर पेस्ट हो चुका है और अब हम इसको जो है नीचे की साइड से जो है इसमें स्टिच करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जो है नीचे की साइड से स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए ये हम इसको नीचे से स्टिच करेंगे और दूसरी साइड पर जो है इसे ये हमारा सेम इसी तरीके का हमने एक और पट्टी कट कर ली है इसी तरीके से। और अब हम इसको ऊपर की साइड से रखते हुए जो है साइडों से स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम डबल स्टिच करेंगे ताकि ये हमारा नेक पलटते वक्त ना निकले। और अब देखिए यहाँ पर जो है हम कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद जो है ये जो गोलाई में वहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे और दूसरी साइड टर्न करते हुए हम इसे प्रेस से जमा लेंगे। प्रेस से जमाने के बाद जो है हम अपने कॉलर का सेंटर लेंगे। कॉलर का सेंटर लेने के बाद हम अपने देखिए यहाँ पर ये हमारी श्रग है, श्रग या कुर्ती जिसमें भी आपको राउंड कॉलर लगाना हो आप जो है इसका भी इस तरीके से सेंटर लेंगे। सेंटर में इसमें भी एक छोटा सा कट लगाएंगे और देखिए इसमें कट लगाने के बाद जो है इसे हम उल्टी तरफ से कपड़े को रखेंगे और उसके ऊपर अपने कॉलर को रख देंगे। ऊपर की साइड से कॉलर को रखते हुए जो आपको सेंटर से स्टिच करना है, सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करना है और लास्ट तक लेकर आना है। तो देखिए ये हमने लास्ट तक जो है स्टिच कर दिया। यहाँ पर भी हम डबल स्टिच करेंगे और दूसरी साइड से अब अपने कॉलर को जो है स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इस तरीके से स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी डबल स्टिच करेंगे और डबल स्टिच करते हुए अपने स्टिचिंग को सेंटर तक लेकर आएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अब स्टिच कर लिया है और बाहर की साइड को फोल्ड करते हुए जो आपको कॉलर बनाना है। तो देखिए ये जो है हमने बाहर की साइड को फोल्ड कर लिया है और बाहर की साइड फोल्ड करने के बाद जो है आपको यहाँ पर डबल स्टिच कर लेना है। डबल स्टिच करते हुए यहाँ पर जो है हम इसको फिनिशिंग के साथ एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर जो है हम स्टिच कर लेंगे और लास्ट में भी डबल स्टिच कर